भागलपुर में एक तरफ जहां चुनावी माहौल है, वहीं दूसरी ओर पूरा शहर भक्तिमय वातावरण में रंगा हुआ है। शहर में चैती छठ, रामनवमी और चैती दुर्गा पूजा का आयोजन हो रहा है। इसी बीच हर साल की तरह इस साल भी लगातार चौथी बार भगवा क्रांति द्वारा शहर में रामनवमी के मौके पर भव्य शोभा यात्रा निकाली गई। इस शोभा यात्रा में शहर के हजारों लोग शामिल हुए, जिसको लेकर चप्पे चप्पे पर पुलिस प्रशासन की पैनी नजर थी। सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए थे। वही शोभा यात्रा शहर के घंटाघर चौक से प्रारंभ होकर पूरा शहर भ्रमण हुआ। इस दौरान मुख्य आकर्षण राम की भव्य प्रतिमा और झारखंड का भक्तिमय बैंड की धुन था, जिसके धुन पर राम भक्त जमकर झूमते नजर आ गए। शोभा यात्रा में आयोजनकर्ता भगवा क्रांति के दर्जनों पदाधिकारी एवं कार्यकर्ता मौजूद थे। देख ही रहे हैं, जो भी ज्वाइंट ऑर्डर के मुताबिक डेपुटेशन था वहाँ पे फोर्स और मजिस्ट्रेट हैं। साथ ही साथ इन लोग को जो दिशा निर्देश दिया गया था कि डीजे का उपयोग नहीं करेंगे, तो ये लोग डीजे का उपयोग नहीं कर रहे हैं। और जो समय निर्धारित किया गया है उसमें ही इनको बोला गया है कि जुलूस की समाप्ति इंश्योर करेंगे। तो अभी जुलूस बढ़ना शुरू हो गया है और सौ समय हम लोग को उम्मीद है कि शांतिपूर्वक समाप्त हो जाएगा। लोकसभा आम निर्वाचन 2024 को लेकर पूरे देश में सरगर्मी तेज है। सभी राजनीतिक दल के खेमे में जुबानी जंग प्रारंभ है। वहीं सभी जिलों में मतदान प्रतिशत को बढ़ाने के लिए हर जिला के जिलाधिकारी काफी सजग दिखाई दे रहे हैं। अगर भागलपुर जिला की बात करें तो यहां के जिलाधिकारी डॉक्टर नवल किशोर चौधरी मतदान प्रतिशत को बढ़ाने के लिए एड़ी चोटी एक करते दिख रहे हैं। चाहे वह नुक्कड़ नाटक के माध्यम से हो, चाहे वह यूट्यूबर के माध्यम से हो, या फिर स्कूल के बच्चों के माध्यम से हो, लोगों को मतदान में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेने के लिए प्रेरित किया जा रहा है। इसी बाबत आज भागलपुर के DRDA परिसर से NCC स्काउट गाइड और कई स्कूलों के बच्चों ने सामूहिक रूप से रैली निकालकर लोकसभा आम निर्वाचन 2024 में ज़्यादा से ज़्यादा मतदान करने की अपील की। जिलाधिकारी डॉक्टर नवल किशोर चौधरी ने बताया कि यह सबसे बड़ी खुशी की बात है कि जिन्हें अभी वोट देने का अधिकार नहीं है, वैसे बच्चे वोट देने के अधिकार रखने वाले लोगों को जागरूक करते दिख रहे हैं। हमें निश्चित रूप से घर से निकलना चाहिए और अपने कीमती वोट को जरूर देना चाहिए। मतदान जागरूकता रैली में जिलाधिकारी के अलावे SDM धनंजय कुमार, DDC कुमार अनुराग के अलावे चुनाव से संबंधित कई वरीय पदाधिकारी, कर्मी, साथ ही दर्जनों स्कूलों के बच्चे मौजूद थे। आप देख रहे हैं कि 26 अप्रैल 2024 को इस भागलपुर लोकसभा क्षेत्र में मतदान है और हमारे बच्चे कितने जागरूक हैं, खास करके NCC के बच्चे, स्काउट एंड गाइड के बच्चे, उन लोगों के द्वारा आए हुए स्कूल के काफ़ी बच्चों के द्वारा लोगों को जागरूक करने का के लिए रैली निकाली गई है। मैं आम लोगों से यही कहूँगा, ये वो लोग रैली में शामिल हैं जिनका नाम वोटर लिस्ट में नहीं है, और उन लोगों के लिए खास करके स्पेशल सबक है कि जिनका नाम वोटर लिस्ट में नहीं है, वो हम जिनका नाम वोटर लिस्ट में है उनको जागरूक कर रहे हैं। तो हम सभी लोगों को अपने बच्चों से एक इंस्पिरेशन लेना चाहिए कि जब हमारे बच्चे जागरूक हैं तो हमारे युवा और हमारे वोटर्स सभी लोग जागरूक हों और 100% मतदान करें। सर, दो स्लोगन बोल रहे थे, क्या क्या स्लोगन थे? एक तो मैं बोल रहा था कि वोट करेगा भागलपुर, वोट करेगा तो बच्चों ने कहा भागलपुर। और दूसरा जो दीदियों के लिए, हमारी माताओं बहनों के लिए है कि चूल्हा चौका छोड़ो दीदी, आओ चले करें मतदान। चूल्हा चौका छोड़ो दीदी, आओ चलो करें मतदान, बस यही हम नारा लगाएंगे और सभी अपने दीदियों से अनुरोध। भागलपुर शहर की यातायात व्यवस्था को दुरुस्त करने और आए दिन जाम की समस्या से निजात दिलाने को लेकर भागलपुर के जिलाधिकारी डॉक्टर नवल किशोर चौधरी ने 14 रूटों पर कोडिंग की व्यवस्था टोटो रिक्शा के लिए की थी। कुछ दिन पहले इसकी शुरुआत हुई, लेकिन टोटो चालक इस यातायात के नियम से खुश नजर नहीं आ रहे हैं। उन लोगों का कहना है कि भागलपुर में 14 रूटों पर यह कोडिंग व्यवस्था की गई है। हर रूट पर 500 टोटो चलाए जाएंगे, लेकिन 7000 से अधिक टोटो चालक भागलपुर में हैं।
उसके अलावा उन टोटो चालकों की परेशानी अब बढ़ गई है जिन्हें कोडिंग नहीं मिल पाई है और ना ही रूट प्लान मिल पाया है। अब देखने वाली बात यह होगी कि कहां तक यह योजना सफल हो पाती है और क्या शहर में जाम से लोगों को निजात मिल पाता है या फिर इसी तरह टोटो चालक अपनी आवाज बुलंद करते रहेंगे। वही टोटो चालक के अध्यक्ष ने भी इस कार्यशैली से नाराजगी जताई और उन्होंने कहा कि वह लोग अपनी मांगों को लेकर जब प्रशासन के पास पहुंचते हैं तो प्रशासन की ओर से भी उन लोगों के प्रति उदासीन रवैया देखने को मिलता है। हमारा समस्या है कि जगदीशपुर घर है, हम 8 नंबर रूट लेना चाहते हैं। हम 3 दिन से यहाँ हम लोग घूम घूम के वापस जा रहे हैं, 8 नंबर रूट नहीं मिल रहा है हमको। क्या पहल कर रहे हैं, किस क्या कहाँ जा रहे हैं शिकायत के लिए? शिकायत के लिए तो हम लोग जानकारी न है किसके पास जाएं या ना जाएं। यहाँ जानकारी के हम लोग का यहाँ रूट मिल रहा था, यहाँ आए और ज़्यादा जानकारी नहीं है ना कि फलना जगह जाए। क्या बोला गया यहाँ से? बोला जा रहा है कि 8 नंबर फुल हो गया है, 2 नंबर ले लो भले। लेकिन हम लोग का जगदीशपुर घर है तो हम लोग को गुड़ट्टा चौक से अलीगंज तरफ जाने के लिए रूट चाहिए। परेशान तो मिल ही रहा है मगर कोडिंग में समस्या हो रही है। सभी रूट में 500 गाड़ियां के जो व्यवस्था बनाई जा रही है इससे सभी चालक नाखुश हैं। मैं भी नाखुश हूँ। यातायात DSP महोदय, जिला परिवहन पदाधिकारी से भी बातचीत हो रही है, फिर कोई किसी प्रकार का रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा है। सभी ये 5 नंबर वाले आवेदन हैं, 100 आवेदन रह गया है। 8 नंबर रूटों की व्यवस्था कम है और यातायात DSP कह रहे हैं कि हम 14 रूटों के अलावा आगे कोई रूट नहीं बनाएंगे। तो ऐसे में तो 7,000 ड्राइवरों को अगर रूट मिलेगा तो 7,000 ड्राइवर तो उसकी आजीविका की समस्या हो जाएगी उनको। भागलपुर के मधुसूदनपुर थाना क्षेत्र अंतर्गत कंजिया बाईपास चौक के समीप पिकअप वैन और मोटरसाइकिल में आमने सामने की टक्कर हो गई जिसमें एक युवक बुरी तरह से घायल हो गया जबकि पिकअप वाहन लेकर चालक फरार हो गया। घायल को इलाज के लिए नाथनगर अस्पताल में भर्ती कराया गया है। घायल की पहचान बांका जिले के रजौन थाना क्षेत्र निवासी बंटी कुमार मंडल के रूप में हुई है। वही मधुसूदनपुर पुलिस ने अपनी तत्परता दिखाते हुए घायल को नाथनगर रेफर अस्पताल में भर्ती कराया जहाँ उसका इलाज चल रहा है।